जसपुर कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, इसलिए कुमाऊं के सभी भक्त जल लेकर यहीं से गुजरते हैं। आज सुबह लगभग 9 बजे किसी शरारती व्यक्ति द्वारा भोले के भक्तों के ऊपर मांस के टुकड़े फेंक दिए गए, जिसको लेकर कावड़ियों ने नादेही हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं कावड़ियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। भक्तों का कहना है कि जैसे ही उत्तराखंड में हम पहुंचे तो हमारे स्वागत में मांस के टुकड़े फेंके गए। साथ ही पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने भोले के भक्तों पर शराब पीकर चलने का आरोप लगा दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने बताया कि जिस गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया वो चली गई, जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जय शंकर, जय गंगा मैया। जैसे ही हमारे उत्तराखंड में हमारा स्वागत मुर्गे के साथ किया गया, उत्तराखंड पुलिस की नाकामी देखने को मिली है। और जैसे ही भोलो ने इस बात के लिए उत्तराखंड से गुजारिश करी कि आप हमें दोषी पकड़िए या दोषी के बारे में जानकारी दीजिए, तो इन्होंने बोला कि आप लोग शराब पी के कांवर लेके चलते हैं। बताइए हमें क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए, जनता देख रही है आपकी। पहले बैठ के हम लोग यहाँ पे सुबह नाश्ता चाय पानी कर रहे थे और हमारे ऊपर मुर्गे का सर काट के फेंका गया है, कंप्लेन किया है यहाँ पे। जैसे ही हमने कांस्टेबल साहब को बोला तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसको वहाँ से हटा दिया गया। 15 मिनट बाद हेल्पलाइन पे कॉल किया है, तब पुलिस आई है और आने के बाद ये बोलती है कि आप लोग शराब पी के और नशा करके चल रहे हैं। मांग ये है कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जिस पुलिस वाले ने हमें यहाँ पे शराबी बोला है वो माफी मांगे, अन्यथा हम यहाँ पूरे दिन बैठेंगे, कल तक बैठेंगे, जल तो हम चढ़ा देंगे, एक दिन में चले जाएंगे डाक और लेके बोले के आशीर्वाद से, लेकिन हम नहीं हटेंगे यहाँ से। कांवड़ हमारी सकुशल चल रही थी और देख रहे हैं कि आज से कांवड़ थोड़ा सा बढ़ा भी है, कांवड़ यात्रा भी बढ़ी है, दोनों तरीके से वाहन भी बढ़े हैं और पैदल कांवड़ यात्रा भी बढ़ी है। इसी दौरान किसी शरारती तत्वों के द्वारा यहाँ पे ये जो हमारा ठाकुर द्वारा चुंगी है, यहाँ कोई चीज एक भोले के ऊपर फेंक दी गई थी, इस पर उनके द्वारा तत्काल यहाँ मौके पर पुलिस को सूचना दी गई थी और वो यहाँ से जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से इस तरह की घटना को किया गया था, वह गाड़ी यहाँ से चली गई थी। अभी जिस भोले के साथ ये चीज़ हुई है, हम तत्काल इसमें एक तो मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, दूसरा उस भोले के माध्यम से सीसीटीवी के माध्यम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जिसने भी ये शरारत करी है हम उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, जो हमारे भोले थे उनमें नाराज़गी थी कि इस तरह से हम इतनी दूर से लंबी यात्रा कर रहे हैं और ये पूरा कम से कम ये 10 दिन का एक पूरा पीरियड होता है जब कांवड़ लेने जाना और पूरी एक आस्था से आप लोग आते हैं और इस बीच में इस तरीके से किसी ने शरारत करी है, तो उसकी नाराज़गी थी जिसके संबंध में वार्ता की गई है, लेकिन अभी हम इसमें तत्काल मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति है आइडेंटिफाई करके उस पर